नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी क्लच वायर चेंज कर सकते हैं। अगर ये टूट गई है या आपको नई रिप्लेस करनी है तो आप कैसे इसे डाल सकते हैं नई। देखिए, ये यहाँ से टूट गई है, अब हम इसकी जगह एक नई वायर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपको अपनी क्लच वायर चेंज करनी हो तो आपको एक ध्यान रखना कि इसे नीचे की तरफ से ही खोलें। यहाँ किक के पास जो उसका मेन क्लच रहता है, यहाँ पे जो क्लच वायर रहती है, यहाँ पे दो नट रहते हैं। ये 13 नंबर के नट हैं, आपको इसे रिंग स्पैनर के साथ खोलना है। तो ज़रा से इसको लूज़ कर देना है, उसके बाद ये अपने आप ही सारा बाहर आ जाता है। एक साइड के नट को आप पूरी तरह से निकाल दें। और यहाँ पे ये जो वायर है, यहाँ पे फंसी हुई होती है, इसे आप निकाल सकते हैं। ये हमारा क्लच है, क्लच के बीच में लगी होती वायर। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा बाहर निकाल के वायर को नीचे से निकाल देंगे। फिर हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसके लिए प्रोटेक्शन दी होती है बॉडी के साथ। यहाँ से आप उसे वायर को बाहर निकाल दो। देन आपको यहाँ ऊपर की तरफ भी जो है, यहाँ पे एक छोटा सा नेट टाइप का कम्बिनेशन होता है, इसे आपको थोड़ा सा लूज़ करना है। जब ये लूज़ हो जाए तो आपको जो है यहाँ पे इसे थोड़ा सा और घुमाना है। इसे घुमाएंगे तो ये इसमें थोड़ा सा ग्रूव होता है, यहाँ से आपको वायर जो है बाहर निकाल लेनी है। फिर आपको जो है अपनी जो पुरानी पूरी की पूरी वायर जो है आपकी, वो यहाँ से बाहर आ जाएगी। अभी मैंने इसके लिए जो है वो बजाज से जेन्युइन पार्ट से लिया हुआ है, जेन्युइन पार्ट की ही वायर है। तो ये हमारी नई वायर है, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अभी हम सबसे पहले इसे नई वायर को जो है वो ऊपर की तरफ से नीचे को डालेंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हमारी वायर है। अभी हमें इसे करना क्या है, यहाँ से पकड़ के नीचे को ले जाना है। अभी हम लगाते वक्त इसे ध्यान रखना है कि हम लगाएंगे जो है वो ऊपर की तरफ से लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये वायर के बीच में, यहाँ पे ये जो हमारे क्लच लीवर है, अगर आप देख सकते हो तो इसके बीच में ये अभी भी एक सिलेंड्रिक फॉर्म में चीज़ अटकी हुई है। ये एक प्लास्टिक होता है, जैसे कि ये हमारी नई वायर के ऊपर चढ़ा हुआ। ये हमें पहले निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो इसे निकालने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर सकते हो। देखिए, ये अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो पुरानी वायर थी उसका ये रह गया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है कि इसको थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा नीचे लाना है। देखिए, अगर ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको हमें ऊपर से दबा के ऐसे नीचे को करना है और ये पूरा निकल जाएगा।
इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। इससे देख सकते हैं अभी ऐसे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह गंद वगैरह कुछ भी हो तो आप उसे साफ़ कर सकते हो। ये जो आपकी वायर है इसे लगाने का सही तरीका क्या है कि आपको जो ये लीवर है सबसे पहले इसको आपने यहाँ पे जो ग्रूव है नीचे दिया हुआ उसमें से होते हुए डाल देना है ऊपर को। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको बेंड कर देना है। जैसे आप इसको बेंड कर लेंगे ये जो साइड में यहाँ पे ग्रूव दिए हुए हैं इसमें से आपको निकालना है और यहाँ पे आप इसको दोबारा से टाइट कर सकते हैं। इसके बाद ये आपकी जो वायर है ये बाहर नहीं निकलेगी। अब हमें जो है वो थोड़ा सा इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ये इसका कवर जो है वायर का ये हमें इसके लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब हमें जो है इसे नीचे से टाइट करना है। जो ये हमारी वायर आ रही है अभी हमें इसे जो इसकी ये बॉडी की साथ इसका दिया हुआ अटैचमेंट इसके थ्रू हमें यहाँ से निकालनी है। और जैसे हमने इसे पहले खोला था वैसे ही हमें इसको लगाना है। पहले हमें एक तरफ का जो नट है उसे लूज़ कर देना है पूरी तरह से। फिर जो इसकी वायर बची है वायर के थ्रू इसको निकाल के अंदर ऐसे डाल देना है। फिर हमें जो है ये नट जो दोबारा से टाइट कर देना है। और जो हमें ये वायर है ये सेंड पे यहाँ पे फंसा देनी है ताकि हमारा जो क्लच है इसके बाद वर्क करना शुरू कर दे। और हमें जो यहाँ पे ये दो नट है इनके जरिए हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि ये हमारे जो वायर है वो एकदम भी लूज़ ना हो और ना ही ज़्यादा टाइट हो। यहाँ पे थोड़ी सी प्ले रखनी है लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो इसे थोड़ा सा और लूज़ कर लेते हैं इतना ठीक लग रहा है। उसके बाद हमें इसे टाइट कर देना है। बाद में हमें इसे स्पैनर की मदद से पूरी तरह से टाइट कर देना है।